रंग लाया भाजपा विधायक विनोद सिंह का प्रयास, अब पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा सुल्तानपुर। सीताकुंड धाम का होगा विकास, गोमती नदी में बनेगा खूबसूरत घाट। चित्रकूट अयोध्या से होगा सुल्तानपुर का सीधा कनेक्शन। गोमती के तट पर स्थित सीताकुंड धाम का सीधा कनेक्शन धर्म की नगरी अयोध्या और चित्रकूट धाम से होगा। पूर्व पर्यटन मंत्री और सुल्तानपुर विधायक विनोद सिंह की कल्पना ने अगर साकार रूप लिया तो जल्द ही सुल्तानपुर का सीताकुंड धाम उत्तर प्रदेश के मशहूर पर्यटन स्थलों की सूची में दर्ज होगा। जी हां, सीताकुंड धाम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए विधायक विनोद सिंह की पैरवी पर योगी सरकार ने 3.25 करोड़ का बजट पास किया है। इस बजट से मंदिरों का कायाकल्प होगा। सीताकुंड घाट की सीढ़ियां भी नए लुक में नजर आएंगी। वहीं भगवान चित्रगुप्त मंदिर के विकास के लिए बड़ा बजट मिला है। ये है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का सभी धार्मिक स्थलों के विकास के प्रपोजल थे, उसी में सीताकुंड का विकास किया जा रहा है। और हम लोगों का भी प्रयास था, स्थानीय नेताओं का भी प्रयास हुआ कि सीताकुंड का विकास कराया जाए। उसी के परिप्रेक्ष्य में 3.25 करोड़ रुपए सीताकुंड के विकास के लिए स्वीकृत हुआ है, जिसमें 1.25 करोड़ चित्रकूट धाम के लिए शेष धनराशि सीताकुंड के विकास में खर्च किया जाएगा। उसमें सीढ़ी का निर्माण है, बाउंड्री वॉल बननी है, लाइटिंग की व्यवस्था है, जो वहाँ टूटे फूटे मंदिर हैं उनके रिपेयर की व्यवस्था है। एक गेट टूट गया था, उसका गेट करीब 17 लाख रुपये का गेट बन रहा है। इस तरह से तमाम विकास की योजनाएं अब जो सीताकुंड पे दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि सीताकुंड धाम का पौराणिक महत्व है। वन गमन के समय भगवान राम और मां जानकी ने इसी सीताकुंड घाट पर विश्राम किया था। लोगों में सीताकुंड धाम के प्रति बड़ी आस्था है। सीताकुंड घाट पर मां गोमती में स्नान करने वालों का तांता लगा रहता है। दूर दराज के पर्यटक भी यहां आते रहते हैं। योगी सरकार राम की नगरी अयोध्या को चित्रकूट से सीधा जोड़ रही है। बीच में सुल्तानपुर भी स्थित है। ऐसे में अगर सीताकुंड धाम का विकास होता है तो सुल्तानपुर भी पर्यटन स्थलों की सूची में अपना अहम स्थान रखेगा। सुल्तानपुर विधायक विनोद सिंह की माने तो सीताकुंड धाम को लेकर इनके पास बड़ा ऐलान है। 3.25 करोड़ तो बजट की पहली खेप है। योजना 100 करोड़ का बजट की है। फिलहाल सुल्तानपुर के लिए बड़ी सौगात है अतीत से जुड़कर विकास के नए आयाम की। ब्यूरो रिपोर्ट, NTTV भारत। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।